एनर्जी ड्रिंक प्लांट या जमैकन सोरल या पाट साग, इसको अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो ये एक ऐसा प्लांट है जो बहुत ही अच्छा एक एनर्जी ड्रिंक की तरह सर्व किया जा सकता है, क्योंकि इसमें कई ऐसे न्यूट्रिशन है जो आपको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको जमैकन सोरल या एनर्जी ड्रिंक प्लांट को लगाने वाली इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो उसको लाइक कीजिएगा, अन्य गार्डनिंग करने वालों से शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन को पुश कर दीजिए और सभी नोटिफिकेशन को सेलेक्ट कर दीजिए। इसमें कौन कौन से न्यूट्रिशन और इसको विभिन्न क्षेत्रों में किस नाम से जाना जाता है, उन सब न्यूट्रिशन और नामों को मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए देखते हैं कि आप भी बड़ी आसानी से इस एनर्जी ड्रिंक प्लांट या जमैकन सोरल को अपने घर के पॉट में कैसे लगा सकते हैं। रोसेला या सोरल चेज भाजी या पाट साग के सीड्स हैं, तो इसको लगाने के लिए आप एक पोट तैयार कर लीजिए और कुछ कुछ दूरी पर इसके बीज को ऐसे ही रख दीजिए, फिर इसको मिट्टी से कवर कर दीजिए। मैंने इसको लगा दिया है और अब मैं इसको मिट्टी से कवर कर देता हूँ। रोसेला या जमैकन सोरल या एनर्जी ड्रिंक प्लांट की दो वैरायटी होती हैं। ये दो कलर में पाया जाता है, एक होता है रेड और ग्रीन। तो दोनों में ज़्यादा फर्क नहीं है। मैंने जो सीड्स लगाए हैं वो रेड सोरल या रोसेला के सीड्स हैं। 6 दिन के बाद सोरल सीड से जर्मिनेशन शुरू हो गया और जैसे आप देख रहे हैं कि ये करीब 1 इंच तक सोरल प्लांट ग्रो हो गया है। तो शुरू में इसकी लीव्स अभी आपको ग्रीन नज़र आ रही हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद जो इसका स्टेम है वो रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा और इसका स्टेम कुछ दिनों बाद रेड होना शुरू हो जाएगा। तो 3 वीक के बाद जमैकन सोरल अच्छी तरीके से ग्रो हो रही है और ये अभी काफ़ी हाइट इसमें आएगी, करीब ये 1 मीटर से ज़्यादा ग्रो हो जाती है। तो इसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा। तो कंटेनर में लगाने के 50 दिन बाद ये जमैकन सोरल या पाट साग काफ़ी ग्रो हो गई है और उसकी हाइट करीब 3 फीट के आसपास हो गई होगी। तो अभी ये काफ़ी ग्रो होगी, इसकी हाइट करीब 4 फीट से ज़्यादा हो जाती है। जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि कुछ समय बाद इसका स्टम रेड होना शुरू हो जाता है, तो आप देख रहे हैं कि ये रेड कलर का हो गया है। और इसकी लीव्स को आप टर्न करके देखेंगे तो ये भी हल्की सी इसमें रेडिश टेक्सचर आपको दिख रहा होगा। सोरल प्लांट की लीव्स एनर्जी से भरपूर रहती हैं। अगर आप इसकी लीव्स को ऐसे एनर्जी ड्रिंक यूज़ करें तो इससे आपको कई विटामिन्स और मिनरल्स मिल जाएंगे। इसमें विटामिन ए है, बी कॉम्प्लेक्स हैं, कई मिनरल्स हैं और इनका पूरा मैंने डिटेल डिस्क्रिप्शन में दिया है। अगर आप चाहें इसके विटामिन्स और न्यूट्रिशन के बारे में तो नीचे डिस्क्रिप्शन में भी जाकर देख सकते हैं। एनर्जी ड्रिंक प्लांट या जमैकन सोरल को ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं रहती और ना ही इसमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत रहती है और ना ही ज़्यादा फर्टिलाइज़र इसमें हमें डालना पड़ता है। तो जो भी फर्टिलाइज़र आपके पास अवेलेबल है उसको आप इस पॉट में डाल सकते हैं और ये बहुत अच्छी तरीके से कुछ दिन बाद ग्रो होने लगता है। इस प्लांट की हाइट 1 मीटर से ज़्यादा हो सकती है, लेकिन अभी ये करीब 3 फीट से ज़्यादा का प्लांट है। सोरल प्लांट की लीव्स एनर्जी से भरपूर रहती हैं। अगर आप इसकी लीव्स को ऐसे एनर्जी ड्रिंक यूज़ करें तो इससे आपको कई विटामिन्स और मिनरल्स मिल जाएंगे। इसमें विटामिन ए है, बी कॉम्प्लेक्स हैं, कई मिनरल्स हैं और इनका पूरा मैंने डिटेल डिस्क्रिप्शन में दिया है। अगर आप चाहें इसके विटामिन्स और न्यूट्रिशन के बारे में तो नीचे डिस्क्रिप्शन में भी जाकर देख सकते हैं।
रोसेला या जमैकन सोरल एक मल्टीपर्पस और मल्टी यूज वाला प्लांट है। अगर इसकी पत्तियों में पाए जाने वाले न्यूट्रिशन की बात करें तो इसकी पत्तियों में वो सब चीज है जो किसी भी एक एनर्जी ड्रिंक के इक्विवेलेंट हैं। कई विटामिन और मिनरल्स तो इसमें मार्केट में मिलने वाले एनर्जी ड्रिंक से भी अच्छे हैं और ये ऑर्गेनिक और नेचुरल फॉर्म वाले हैं। साथ ही इसके स्टम के फाइबर की रस्सियां भी बनाई जाती हैं और ये फाइबर काफ़ी मजबूत होता है। तो इस तरीके से सोरल या रोसेला एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लांट है और इसको अपने घर के पोर्ट में जरूर लगाना चाहिए। आशा करता हूँ कि इस वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत यूजफुल होगी और आप इस वीडियो को देखने के बाद जमैकन सोरल को अपने घर के गमलों में जरूर लगाएंगे। इस इन्फॉर्मेशन के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य लोगों से शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो के साथ आखिर तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मैं फिर मिलूंगा किसी एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपने घर में गार्डनिंग को एंजॉय करते रहिए।